आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे खास मेहमान सब जुड़ चुके हैं। मैं परिचय बता देता हूं। नंद कुमार कोसले साहब जुड़ चुके हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है सतनाम। नवरतन साध जी जुड़ गए हैं उत्तर भारत हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। डॉक्टर के आर सुनवानी साहब जुड़ चुके हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस खास एपिसोड पे। जैसा कि हम लोग 1672 के पूर्व के इतिहास और वर्तमान की सतनामी समाज के इतिहास के संदर्भ में, तो मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर हमारे बीच में कमलेश दास जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवरतन साध जी, मैं चाहूंगा कि आज की विषय पर, नवरतन साध जी आज की विषय पर मैं पहले आपको ही लेना चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपनी बात रखेंगे, जो विषय मैंने बताया है उसके संदर्भ में। सतनाम जी, सतनाम। 1672 से पहले के इतिहास के विषय में पहले जो एपिसोड, बहुत काफी पहले जो अपना एपिसोड बनाया था जी, तो मैं विस्तार से रखा था कि सतनाम समय से बंधित नहीं है। सतनाम ऋग्वेद, ईशावास्य उपनिषद, सांख्योग उपनिषद, बौद्ध मत, कबीर वाणी, नानक जी की वाणी, और उसके बाद हमारे सतनामी साध समाज में, और ये निर्गुण संत धारा के संप्रदायों का आराध्य नाम है सतनाम जी। तो उसपे विस्तार से उसमें बताया जा चुका है, उसे अगर दोहराने की जरूरत हो तो। और सत्य पथ नाम से तो बहुत प्राचीन काल में इसे भी बताया जा चुका है कि सत्य पथ नाम से प्राचीन काल में जो एक समाज चलता था, तो आज भी वो मालीगांव से ऊपर जो तीन गुफाएं हैं, तो आज भी उन्हें सतोपथ पंथ नाम से ही जानी जाती हैं, जहां वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। तो सतोपंथ सतपति नंदिनी सतपति उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही हैं, और ये उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक फैले हुए हैं। सतपति मराठों में होते हैं, अशोक सम्राट अशोक के समय में कर्नाटक क्षेत्र को सतपुत्र नाम से दिखाया गया है नक्शे में। तो ये अनेक समाज समय समय पर खड़े होते रहे। सतपीर नाम का, ये जौनपुर के शासक ने सतपीर नाम का एक समाज चलाया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को सत के नाम की आराधना में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। ये हुमायूं का समकालीन था, हुसैन शाह सर की। तो ऐसे समय समाज और संप्रदाय यापन ये किसी स्थान और समय से बंधित हैं, लेकिन सतनाम समय से बंधित नहीं है। अब प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अभी अभी नए नए समाज खड़े हो रहे हैं, उनमें भी सतनाम की उपासना पर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से सतनाम तो अनादि है, बाकी संप्रदाय और समाज की आद है। और कितनी संस्कृतियों ने जन्म लिया है और समय की गर्त में खो भी गई है। तो सतनाम के लिए यही कहना है कि सतनाम और सतनामी बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। किसी एक समाज को विस्तार से उसका विवरण देने में तो बहुत वार्ता लंबी हो जाएगी। तो ये जो समाज हमारा सतनामी है, और जो रुकमपुर वाले हैं या करौली में जो सातपुरा है वहां के दूसरी गद्दी है उन्हीं की, सबला पंथियों की, तो वो भी अपने को सतनामी साधी लिखते हैं। हमारे यहाँ भी सतनामी साधी है, उसमें ब्राह्मण ज्यादा हैं, पर ये जो औरंगजेब के विरुद्ध हम लोग लड़े हैं तो सब एक ही थे। उस लड़ाई के बाद ही ये अलग हुए हैं हमसे। हमारी ग्रंथ ये इनके पास, और इनके ग्रंथों में लिखा हुआ थे ही सबलदास, थे ही उदोदास, थे ही प्रगटे काशी हो, यानी इन्होंने तीनों को एक माना है, कबीर साहब को भी और उदास बाबा को भी और सबलदास को भी, तीनों को गुरु रूप देखा है। हमारे ग्रंथ भी उनके पास है, हमारे संतों की बाणी भी उनके पास है, पर हमारे यहाँ कोई नित्यानंद या कायम कुंवर जी या सबलदास, इनकी ना तो कोई बाणी है, ना ही हमारे ग्रंथ में इनका कोई नाम। तो हमें कौन पुराना है कौन नया है,
इस पर नहीं आना है, क्योंकि समतावादी दृष्टिकोण को लेकर चले हैं ये समाज। सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है और जो सतनाम कमाने वाला वो पहले हुआ या बाद में हुआ, सबकी उपयोगिता हमारे लिए बराबर है। सबका भाईचारा, सबका मात बराबर का है। छोटे बड़े का कोई प्रश्न हमारे यहाँ नहीं है और ना ही हमारे यहाँ कोई अपनी जाति लिखता है। कोई ब्राह्मण से आया है, हमारे यहाँ जो ग्रंथ है उसमें ब्राह्मण भी है, 4-5 ब्राह्मण है, हरिदास, वृंदावन दास और तेज राम, गंगा राम आदि ब्राह्मण हैं, लेकिन वो ब्राह्मण लिखते नहीं है, कहीं भी कहते नहीं है। वैश्य भी हैं, भूमा भाई हैं, श्यामदास हैं और राजपूत तो हैं ही, बीरवान जी तो स्वयं ही राजपूत हैं, निर्वाण राजपूत हैं, जो चौहानों की 24 शाखाओं में एक है। लेकिन जाति पात पर कुठाराघात किया गया है, मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है और इसमें समता मूलक विचारधारा को अपनाया गया है। सबको बराबरी का दर्जा, जितने भी हमारे समाज में सतनाम को मानने वाले वो हमारे भाई बंद हैं। हम ना उनमें छोटा बड़ा देखते हैं, ना अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं, सबको अपने बराबर का मानते हैं। ये हमारी विचारधारा और संगठन का मूल आधार है। जी जी सतनाम साहब जी हमारे साथ अब बने रहे, हमारे साथ काफी मेहमान आ चुके हैं, मैं बारी बारी उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे बीच में कमलेश दास जी जुड़ गए हैं कोटवा धाम से, उत्तर प्रदेश से। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, सतनाम कमलेश दास जी सतनाम, आज की इस परिचर्चा पर अपनी जी साहब सतनाम, सभी हमारे सतनाम भाई जितने भी परिचर्चा में जुड़ रहे हैं सबका बार बार सतनाम और सबके मंगलमय जीवन की कामना सतपुरुष से करता हूँ। आज का विषय बहुत सारगर्भित है और बड़ी खुशी की बात है कि आज नवरत्न साध जी अस्वस्थ होने के बाद भी इस परिचर्चा पर भाग ले रहे हैं, उनके स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। और सबसे मुख्य चीज ये है कि सतनाम की उत्पत्ति ही श्रेष्ठकर्ता सतपुरुष से हुई है और ये सतनाम जो है नारनौल के युद्ध से पहले भी विद्यमान था और अगर विश्व का कोई पहला धर्म हुआ है तो वो सतनाम धर्म ही है। अगर सिंध घाटी की सभ्यता को देखा जाए तो उसमें जो खुदाई में अवशेष मिले हैं वो भी सतनामी ही थे। और इसके अतिरिक्त अगर माना जाए तो भारत के जितनी भी संत परंपरा है सभी ने सतनाम का सुमिरन भजन ध्यान सभी ने किया है, चाहे संत कबीरदास जी हों, चाहे गुरु नानक हों, चाहे गुरु गोरखनाथ जी हों, दादू साहब हों, चरणदास जी हों, संत जगजीवन दास साहब हों, बुले साहब हों, कुलाल साहब हों, भीखा साहब हों, संत उदादास जी हों, सभी पलटू साहब हों, सभी ने जो है सतनाम का सुमिरन भजन ध्यान किया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत और विश्व स्तर पर हमारा सतनाम फैला हुआ है। और अगर देखा जाए कि जो हमारे इतिहास में मुख्य रूप से आया है तो सतनाम को जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम मानते हैं तो नारनौल में 1672 के युद्ध से शुरू होता है और उस सतनाम के जो है प्रवर्तक जो है संत उदादास साहब थे और उनके साथ संत जोगीदास और वीरभान जी थे। और ये सतनाम जो है जो अपने को साध लिखते हैं, वहां के सतनामी अपने को साध लिखते हैं और वर्तमान समय में अगर उनको देखा जाए तो उनका पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और इसके साथ साथ जो है दिल्ली और महाराष्ट्र, अन्य प्रदेशों में व्यवसायिक दृष्टि से कारोबार कर रहे हैं और फैले हैं। ज्यादातर लोग कृषक हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी है। यदि हम सतनाम के उसी से मिलती जुलती, जैसा कि साहब नवरत्न साध जी ने बताया, जो सबलापंथी हैं तो वो संत सबलदास जी से उस सतनाम को मानना चाहिए। और वहाँ का मुख्य जो है गढ़ जो है इस समय राजस्थान में साधुपुरा है, जहाँ के मुख्य इस समय जो पीठाधीश्वर है वो उमेन दास जी हैं।
और वहाँ ज्यादातर सतनामी जो है मीणा जात के हैं। इसके अतिरिक्त उनका कार्य क्षेत्र जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फैला हुआ है। वो लोग ज्यादातर खेती करते हैं या व्यवसाय करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे नंबर पर अगर हम आए तो हमारा कोटवा धाम है, जहाँ से मैं स्वयं इस समय है, उसके प्रवर्तक समर्थ जगजीवन साहब हैं। उन्होंने 4 पावा 14 गद्दी 36 महान 33 ध्वजों को दीक्षित करके सतनाम को जन जन तक फैलाने का प्रयास किया। अगर कोटवा धाम के सतनामियों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तो है ही है, साथ साथ पड़ोसी बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और उत्तरांचल है, दिल्ली है और इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य जो नेपाल है वहां तक हमारा सतनाम फैला है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा जो सतनाम का पीठ है वो भोपाल है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और ये भुलकुला जो है उसके प्रवर्तक जो है भुले साहब है, लंबा इतिहास हो जाएगा तो हम उसको भुले साहब से ही मानते हैं। भुले साहब के बाद जो है गुलाल साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, पलटू साहब तक एक परंपरा आती है। इनका कार्य क्षेत्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा है और नेपाल में भी कुछ इनके सतनामी है। इस समय वहां के मुख्य गद्दीधर जो है महंत शत्रुघ्न दास जी हैं। और यहाँ के जो सतनामी है मुख्य रूप से खेती या कुछ लोग केवल जो है व्यवसाय और सरकारी सेवाओं में भी है। और जब हमारा चौथा मुख्य सतनामियों की पीठ है वो छत्तीसगढ़ है, जिसके आदि प्रवर्तक गुरु घासीदास जी हैं और उसके बाद ये संत परंपरा आज तक चली आ रही है। इसका कार्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और इसके अतिरिक्त झारखंड है, महाराष्ट्र है और आसाम में तो 50 लाख से ऊपर सतनामी है। छत्तीसगढ़ के सतनामी जहां तक ज्यादातर लोग 80% कृषक हैं। इसके अतिरिक्त जो है छत्तीसगढ़ के जो उच्च मतलब पढ़े लिखे लोग हैं सरकारी सेवाओं में और आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो है नारनौल के सतनामी जो हैं वो फरुखाबाद और मिर्जापुर तक फैला हुआ है। तो ये लोग जो है व्यवसायिक है, व्यवसाय की दृष्टि से पूरे भारत में फैले हैं। तो सतनामियों की स्थिति भारत में काफी है, चाहे कृषि कर रहे हों और चाहे व्यवसाय कर रहे हों, हर जगह पर उनकी स्थिति अच्छी है। और अब हम चाहते हैं कि हमारे अन्य वक्ता भी हैं वो अपने विचार रखें। साहब सतनाम बहुत शुक्रिया कमलेश दास जी, कोटवा धाम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे आप। नंद कुमार कोसले साहब बहुत बहुत स्वागत सतनाम, आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। देखिए मेरा यह मानना है कि 1672 के पूर्व भी पूरे भारतवर्ष में विशेष करके पंजाब जो पहले नारनौल पड़ता था, हमारी अच्छा गौरवशाली परंपरा रहा है। और उस हम ये मानते हैं कि जब हमारी गौरवशाली परंपरा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, हम उस काबिल थे, उतने बड़े राजा औरंगजेब से हम टक्कर लेने की स्थिति में थे। और ये रही नारनौल की, और जो जितने भी जैसे प्रांत पे हमारे कमलेश दास जी ने बताया, चाहे आप छत्तीसगढ़ में लीजिए, पूंजी के मामले में, व्यापार के मामले में शुरू से ही रहा है। और यही है कि हम जब एक दूसरे से आपस में मिलना शुरू किए, ये जैसे दूसरे प्रांत से हम चाहे उड़ीसा हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तो हमको अपनी गौरवशाली परंपरा का पता चलते गया और सभी सतनाम को मानने वाले हैं। और ये है कि हम जब 1672 के भी जैसे आपने कहा कि उसके गौरवशाली हमारे बीच में कोसले साहब का नेटवर्क चला गया है, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर के आर सुनवानी साहब हमारे बीच में आए और अपनी बात रखें। के आर सुनवानी साहब, ये मेरा एक बात है कि ये बोल हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि 1672 से हमारे सतनामी समाज यहाँ पर है करके, मगर मुझे, मैं जहाँ तक पिछले
कई सालों से रिसर्च कर रहा हूँ कि सतनामी समाज केवल नारनौल से ही आए हैं, यहाँ के बसे हैं। क्योंकि कमलेश दास जी ने कहा कि हम मूलतः सिंध प्रांत से, सिंधुवड़ी से बेहतर से है, इसलिए हमारे पास 100-200 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जमीन का जो कब्जा है 40% जमींदारी आ गया था। सतनामी समाज मेहनती है, मेहनत कर करके हमने यहाँ पे अपना जायदाद बनाए। कुछ लोग, मैं उस दिन ऋषिकेश में कुछ कहा तो लोग बात करने लगे कि मेरे ही जो आदमी छत्तीसगढ़ के लोग इसके पहले थे, मुझे ऐसा मैं मानता मैं कि हम तो 1672 के बाद भी छत्तीसगढ़ में आए हैं। ये हमने यहाँ पे आके मेहनत, हम लोग मेहनत कर से हमारा समाज संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1672 के बाद करीब 200 साल में हमारा जमीन खेती खार का जमीन कश्तकारी जो है, सत्यमान को मानने वाले और खेती खेती को करने वाले शुद्ध शाकाहारी, ये हमारा मूल वो था। और हमने अपने मेहनत से ही यहाँ पे जमीन जायदाद को प्रॉपर्टी बनाए। जी जी, मेरा इतना कहना है। जी, बहुत शुक्रिया सोनानी साहब, हमारे साथ बने रहे। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी आज जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस विषय पर, जो महत्वपूर्ण विषय पर बातें हो रही है, तो उस पर अपने विचार रखेंगे। जितेंद्र जांगड़े जी। जी जी, सभी संतों को सतनाम। आपका विषय है जो हमारे सतनामी समाज ही नहीं, पूरे भारत देश, विश्व के मानव, विश्व की प्राणी के हित में कृषि के संदर्भ से लेकर के सतनामी उत्पत्ति पर चर्चा हो रहा है। हमारे कमलेश दास जी ने बहुत सारी बातें रखा और बड़ी जानकारी दी और सभी संतों ने दिया। हम लोग छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के लोग 1672 की औरंगजेब की लड़ाई तक की इतिहास को मानते हैं, परंतु जब हम लोग रुकनपुर अलीगढ़ क्षेत्र, जब हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सतनामी कार्यक्रम प्रचारक समिति, जिसका बड़ा श्रेय हमारे कमलेश दास जी को जाता है, जब हम लोग उत्तर प्रदेश गए तो हमको इतिहास सतनामी समाज का इतना गहरी में लगा, इतना दीप में मिला कि हम लोग सोचे नहीं थे कि सतनाम और सतनामी का इतिहास इतनी पुरातन होगा। वहां जाकर रुकनपुर उत्तर प्रदेश गए हम लोग अलीगढ़, तब हमको मिला, वहां पर पता लगा। मैं जब राजस्थान के सतनामी सम्मेलन में गया था तो एक नाथू नाम के सतनामी ने बताया कि 11 शताब्दी के सतनामी इतिहास है, और सोमनाथ मंदिर में जो सतनामी लोग रोकते थे मोहम्मद गोरी गजनवी को, उस जगह को मैं दिखा सकता हूँ, उन्होंने बताया। परंतु जब रुकनपुर में गया तो रुकनपुर में जब मैं देखा तो 1186 में सिद्ध नित्यानंद के साथ प्रकट हुए राजस्थान के सतनामी, जो कुंवरगढ़ है, जो 1356 में रुकनपुर में सतनामी समाज का गुरु कद्दी गुरुद्वारा निर्माण किया, जीत चौराहे पर, वहां पर हम लोग बड़ी रैली के साथ हमारे सम्मानी कोटवा धाम कमलेश दास जी के साथ जब भव्य रैली के रूप में गए, तो वहां उस समय 1356 की में 84 गांव सतनामियों का वहां पर मिला। आज तो वहां कम से कम 4-5 गुना सतनामी गांव उस क्षेत्र में प्रतीत होता है, मिलता है, जो बड़ी बड़ी अक्षरों में गांव के बाहर में सतनामी लिखा रहता है। वहां का सतनामी इतिहास है जो 1356 में गुरु गद्दी लगा है। तो हम लोग हम सतनामी समाज को 1672 तक नहीं रुकना है, वही तक स्थापित नहीं होना है। हमारा इतिहास है जो सृष्टि विस्तार के है, सतनाम धर्म है जो सृष्टि विस्तार के है, क्योंकि सतयुग ही सतनामी युग था। परंतु जैसे ही मूर्ति काल का पूजा पद्धति चालू हुआ, हम लोग निराकार के मानने वाले थे, तो निराकार पर है जो विश्वास करना बंद हो गया, कम हो गया, और मूर्ति से प्रभावित होकर के लोग
ज्यादा से ज्यादा मूर्ति के भक्ति में मूर्ति के लाइन में जुड़ते गए, परंतु हमारे लोग हैं जो निराकार के कारण हम लोग थोड़ा कमजोर होते गए, परंतु कहीं ना कहीं भारत देश में विश्व स्तर में सतनाम सतनामी का इतिहास मानने वाला है, जो आज मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से आज बड़ा जानकारी हो रहा है। हमारे माननीय कमलेश साहब जी ने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं, वह सतनामी घाटी की सभ्यता था। बड़ी रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान हरियाणा से लगा है उस पर पाकिस्तान में, वहां पर पूरा व्यापक था और आज भी वहां पर बहुत सारा सबूत है। तो सतनामी समाज के इतिहास को जानने के लिए मैं हमारे विद्वान जनों से निवेदन करता हूँ, एक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सब कमेटी तैयार करके इस समाज और इस सतनाम धर्म के रिसर्च के लिए बड़ा व्यापक रूप से काम करने का जरूरत है, और विश्व को सतनाम के तले सतनामी एकाकार के तले लाने की जरूरत है। हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग अपना सुझाव दे रहे हैं। मैं इतना बोल करके अपनी वाणी को पुनः रोकता हूँ। जय सतनाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेन जांगड़े जी, काफी आपने सारगर्भित विचारों के साथ अपने आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। मैं अनंत कुमार कोसले जी से आग्रह करता हूँ कि उनकी बात अधूरी रह गई थी, कोसले जी अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा था कि अपन जैसे इतना और हमारे संत साथ लोगों ने बताया है कि आप जैसे जिस विषय पर 1672 है ना, 1672 के बाद जैसे छत्तीसगढ़ वाले कहते हम वहां से माइग्रेट होकर आए, चूंकि औरंगजेब से कर कोसले जी आपकी आवाज फिर से बंद हो गई है जी। क्योंकि तब उतने बड़े राजा जिनके पास सेनाओं की कमी नहीं थी है ना, आर्म थे उसके पास हथियार, उसे हम टक्कर लिए, इससे हमको ये लगता है कि हम वैभवशाली रहे हैं। भले हम उस इतिहास को जैसे हमारे नवरतन साथ जी ने बताया, सत्य मानने वाले सतनामी सभी सत्य को मानने वाले हैं, और जैसे आपका कोटवा धाम है वहां राजपूत लोगों का है, यहाँ अपना और ब्राह्मणों का है, तो छत्तीसगढ़ में भी सतनाम के प्रभाव से, सतनाम का जो प्रभाव है उससे छत्तीसगढ़ में भी साहू है, यादव है, ऐसे बहुत से जात जो है सतनाम के महिमा को देखकर तो वैभवशाली तो रहा है, कोई शक नहीं है। सतनामी पूरे भारतवर्ष क्या जैसे हमारे बताए हैं कमलेश दाजी नेपाल में भी है करके, तो ओवरऑल पूरे भारत में सतनामियों का प्रभुत्व रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और हम इस काबिल थे कि किसी राजा से जो सैन्य प्रबल थे उससे हम टक्कर लेने की स्थिति में थे, ये मेरा मानना है जी। जी मैं एक बात रखना चाहूंगा कि जिस ढंग से औरंगजेब ने 25 साल दक्षिण भारत में राज किया और 25 साल उत्तर भारत में, उनकी जो कार्यकाल को देखा जाए तो वो 50 साल करीब करीब इस भारत भूमि पर हुकूमत किया, और ऐसे शक्तिशाली तानाशाह राजा से सतनामियों ने लोहा लिया, ये बड़े गौरव और पराक्रमी एक इतिहास रहा है सतनामियों का। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के सतनामियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, छोटी दृष्टि से जीता है, छोटी जात के दृष्टि से देखा जाता है। अगर हम जातिगत बात करें तो छत्तीसगढ़ में सतनामियों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, उत्तर भारत में सामान्य वर्ग में है, रुकनपुर अलीगढ़ तरफ उधर उच्च कोटि के ब्राह्मण जाति में है। तो अगर सभी क्षेत्रों की अगर बातचीत को मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये निकलता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो ऐसे सूरवीर जो तानाशाह राजा से लोहा लेने वाला छोटी जात में या निम्न जाति में या निम्न वर्ग में कैसे हो सकता है, ये एक सोच का विषय है, चिंतन का विषय है। बहरहाल हमारे कोटवा धाम से कमलेश दास जी और नवरतन साथ जी जो जुड़े हैं, मैं उनसे नवरतन साथ से फिर से चाहूंगा कि ये जो मानसिकता देश में हावी हुई है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं नवरतन साथ जी। सतनाम जी, सतनाम असल में ऊंच-नीच की बातें जो हैं ये मुगल धारा में नहीं चलती,
मानवतावादी विचारधारा को लेकर निर्गुण संत धारा का जन्म हुआ है। मनुष्य की समानता को बहुत ही प्रमुखता दी गई है। अब लिखने वालों का या मानने वालों के लिए तो कह दें कि हमारे समाज को जहां हमें समान सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने भी ले रखा है, पर विलियम ट्रेंट, वो विलियम क्रूक और बेस्कार्ट पादरी, इन तमाम अंग्रेजों ने हमारे समाज को ही चमार जाति का लिख दिया, क्योंकि वो जाट और जाटअप का अंतर भेद समझते नहीं थे और हमारे समाज में जाटों की ज्यादा बहुलता रही। रोहतक, हिसार, जींद, ये जटवाड़ा होता है हरियाणा का पूरा सतनामियों से भरे हुए थे गांव के गांव। तो ये लिखने वालों का और समझने वालों का नजरिया है, विशेष रूप में देखते हैं। बात ये है कि अब हमारे यहाँ ब्राह्मणों का मान नहीं है, क्षत्रिय वो है जन्म से क्षत्रिय नहीं है, जो राजपूती आनवान लेकर सैन्य कार्य को अपना लेता है वही राजपूत क्षत्रिय है। हमारे यहाँ कर्म से है, हमारे यहाँ कहने का मकसद ये है कि जन्म से नहीं कर्म से है क्षत्रिय ब्राह्मण जो है वो कर्म से है, ना कि जाति से। सबको समानता का अधिकार दिया गया और हमारे यहाँ जो ग्रंथ में है वो सभी वर्गों की वाणी है, वर्ग भेद पे और जातिवाद पे कुठाराघात किया है और साफ स्पष्ट कहा है कि कलयुग में अनेक जात अनेक पात अनेक सबन की सोच, सतयुग में एक जात एक पात है एक सबन की सोच, सबकी समझ एक थी, सबको बराबरी का हक। अब असल में बात यह है कि हमने अभी पहले या अब अभी भी बहुत जरूरत है एक दूसरे के संपर्क में आने की, संगठित होने की, संगठन पर काम करने का ज्यादा जरूरत है। अभी हमारे कितने ही समाज ऐसे हैं सतनाम को मानने वाले जिनसे अभी हम परिचित नहीं है। अभी ये बिहार में जो दरियादासी हैं, जो दरियादास हुए हैं एक मारवाड़ में हुए हैं, जिनका जन्म 1733 में हुआ, और जो बिहार के दरिया हैं उनका जन्म 1731 में हुआ। तो ये जो बिहारी दरिया है इनकी विपुल वाणी भी है और सतनाम को मानने में ये हमारे ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके यहाँ राम का नाम और आराध के लिए स्वीकृत नहीं है और शाकाहार तो सभी जगह है ही है और एक मालिक की वासना और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के समय उनसे इनको कुछ मदद भी मिली थी, इनका प्रचार प्रसार बहुत है बिहार में। अभी ऐसे कई समाज है, कहने का मकसद कि हमें एक निरंतर ऐसी इकाई स्थापित करें कि घूम फिर के सबको संगठित करें, सबसे जुड़े, इनको भी मौका मिले। ऐसे कई समाज है जो अभी हमारे संपर्क में नहीं है। तो कहने का मकसद यही है कि हमें कुछ रचनात्मक रूप से इस ओर काम करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से भी हम सब संपन्न हैं और सबको मिलकर एक निरंतर चलता रहे अभियान, हमारी गाड़ी घूमती रहे, लोगों से संपर्क करते रहें, बदल बदल के व्यक्ति उसमें शामिल होते रहें और हमारी जो वार्षिक पत्रिका है उसमें सारी खोज रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाए, एक दूसरे से संबंध हमारा बना रहे। और शाकाहारी है, समानता का व्यवहार है, तो आज जो संसार में रिश्ते होते हैं वो हम रोटी रिश्ते भी स्थापित कर सकते हैं शाकाहारी होने के नाते। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं जुड़ने के लिए, लेकिन रचनात्मक रूप से जितना होना चाहिए हम कर नहीं पा रहे हैं। ये छिटपुट थोड़ा सा प्रयास चलता है, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होनी नहीं है। इसके लिए हमें एक योजनाबद्ध रूप से काम करना चाहिए। जहाँ हमारी संख्या करोड़ों तक पहुँचती है वहाँ हम सीमित रह जाते हैं। नानक जी की जन्म साखी मेरे पास रही है, एक इंद्र सिंह सरदार जी से मुझे मिली नहीं, 40-50 वर्ष तक मेरे पास रही, फिर मैं उन्हें गुरुद्वारे में ले आया। तो जो मर्दाने वाली जन्म साखी है
तो उसमें एक ही बात बार बार दर्जनों बार दोहराई गई है कि नानक जी से लोग पूछते कौन हो, तो कहते हैं कि मैं नानक निरंकारी हूँ। मेरा उनसे पूछते तुम्हारा गुरु कौन है, तो वो कहते मेरा गुरु है सतनाम सतकर्ता। तो पूछते सतनाम सतकर्ता कौन है, तो वो कहते कि सतनाम सतकर्ता वो है जिसका आवागमन नहीं है, जन्म और मृत्यु नहीं है, जो संसार का कर्ता धर्ता नियंता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कबीर वाणी में भी कहा है कि क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार और हंस रूप कोई साध है तत्के छाननहार। दादूपंथी भी कहते हैं कि सतनाम ने जो उसने सतगुरु दई बताए, औसत खाए और पथर है तो बखना वेदन जाए। तो वेदनाओं को समाप्त करना है, सतनाम का आश्रय लेना होगा। तो कितने ही निर्गुण संत धारा के संत हुए हैं, और जो सगुण धारा के हैं वो भी खंडन खुल के नहीं कर सके हमारे सतनाम का। रामायण में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई आए जब सतनामा ताए हुए पूर्ण विश्रामा, अवगत अगम अगाध अनूपा, राम विरम परमारत रूपा। तो अवगत नाम और सतनाम दोनों के प्रति उनकी श्रद्धा ही व्यक्त हुई। वही सूरदास दूसरे सगुण धारा के संत कवि हैं, तो वो भी कहते हैं कि अवगत गत कुछ कहत ना आवे, जो बोरे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, परम स्वाद सभी से निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी से अगम अगोचर सो जाना जो पावे, रूप रेख गुरजात जगत बिन निरालंब के तदावे, सब विद अगम विचार है साथ सूर सघन पद गाँव में। वो कहते हैं मेरी गम वहां तक नहीं है, इसलिए मैं सगुण का सहारा ले रहा हूँ, लेकिन खुला तीखा खंडन नहीं कर पाया जैसा कि हमारे निर्गुणीय संतों ने सगुण धारा का खंडन किया तीखा। तो बात यह है कि सतनाम किसी एक संप्रदाय किसी एक परिक्षेत्र की चीज नहीं है, और बहुत प्राचीन समय से ही ये चीजें चली आ रही है। लेकिन सिर्फ हमें अपनी प्राचीनता या अपने वैभव का बखान करने से हमारे जिम्मेदारी की पूर्ति नहीं हो जाती, हमें रचनात्मक रूप से अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सबको ऐसे संगठनों से जोड़ना चाहिए जहाँ भी नए समाज सतनाम को मानने वाले मिले, शाकाहारी। दूसरी सतनाम मानने के साथ साथ शाकाहारी होना बहुत जरूरी है हमारे समाज, तभी हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं और संबंध बना सकते हैं। तो इन चीजों के लिए एक योजनाबद्ध रूप से काम करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। सतनाम जी, बहुत शुक्रिया नवरतन साहब जी, आपने एक संदेश के रूप में एक नई बातें आज कह दी है। पूरे भारतवर्ष में अपितु विश्व स्तर में सतनाम के मानने वाले, ट्रूथ को मानने वाले कई भी जाति है, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके बिना तो संसार का जीवन का धुरी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सतनाम सृष्टि से है, और सतनाम जितने भी मानव जीवन है वो करीब करीब सतनाम के सहारे ही है, और सत के रास्ते में चलने वाला ही सतनामी कही जाती है। सत के रास्ते सत्य को धारण करने वाला, सत को जीवन में अंगीकार करने वाला, और यही मुक्ति का मार्ग भी है। मैं कमलेश दास जी से फिर से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर जैसे अभी नवरतन साहब जी ने कहा कि पूरे विश्व के लोगों को सतनाम के राह में चलने के लिए, और जो पिछड़े हुए बिछड़े हुए भाई लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको जोड़ने के लिए आज का जो सोशल मीडिया का माध्यम है, और बहुत हद तक उत्तर भारत के लोगों ने, धर्मवीर साहब जी ने, नवरतन साहब जी ने, कमलेश दास जी ने बहुत प्रयास किया, और विगत 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व स्तर में सतनाम को जानने और समझने की लोगों में एक जिज्ञासा जगी है। आज तक हम 1672 के सिर्फ इतिहास के बारे में कुछ पन्नों में पढ़ते थे कि जजिया कर को लेकर के उनके प्यादों को मारा और ये उसका विरोध हुआ। तो मैं चाहूंगा कि कमलेश दास जी इस पर थोड़ी सी और प्रकाश डालें। कमलेश दास जी साहब, सतनाम सतनाम, सबसे बड़ी बात ये है कि सतनाम को किसी जात विशेष के अंतर्गत कभी भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सतनाम मानो की कोई जाति ही नहीं है। ना तो मनुष्य के जन्म के पहले कोई जात होती है, ना तो मृत्यु के बाद। ये हमारी सामाजिक कुरीतियां और पाखंडवाद है, इसी चीज का सभी संतों ने खंडन किया है। अगर गुरु घासीदास जी ने कहा है मानो एक समान है, तो उससे पहले जगजीवन साहब ने कहा है कि जगजीवन दास विनती करे कहा ताहे कजोर,
एक तन एक ब्रह्म है, कोई ब्राह्मण कोई कोर। अगर ब्रह्म एक है तो मानव जात भी एक है, और उन्होंने करके भी दिखाया। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण है, ये है, वो है, तो सतनामियों को एक जात विशेष के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, ये तो घोर अज्ञानता है। अगर जाति ही की बात मानी जाए तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल प्रमाण है कि 355 वर्ष पहले ही जगजीवन साहब में जो है सभी जातियों के लोग आए। यहाँ तक कि मुसलमान की जो दो मुख्य गलतियां हैं जगजीवन साहब की, वो क्या कहते हैं, प्यारेदास दुनिया जो रुई ढूंढते थे 14 गद्दियों में महत्वपूर्ण स्थान मिला, और कायम दास पठान जो मुसलमान थे उनको भी महत्वपूर्ण स्थान मिला, मनसा दास रैदास को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला गद्दियों में। इसके अतिरिक्त बालदास ओरी को भी स्थान 14 गद्दियों में मिला। तो सतनाम में कोई जात नहीं, मानवतन तो एक है। अगर ब्रह्म एक है तो जातियां कैसे अनेक हो सकती हैं? मैं तो जीवन में हमेशा इस बात के लिए हमेशा विवाद होता रहा कि मानवतन तो एक है। छत्तीसगढ़ में सतनामियों को थोड़ा शेड्यूल कास्ट में रख दिया गया है, एक जात विशेष में रख दिया गया है, ये तो वहां के राजनीतिकों की चाल है। वो वोट की राजनीति के नाते सतनामियों को जो है विभिन्न जातियों में रखे हैं। अगर ब्राह्मण की बात माना जाए तो इस समय वर्तमान में जितनी संस्थाएं हैं, नारनौल की बात तो छोड़ दे, लेकिन अगर हम हरियाणा से ही शुरू करते हैं, राजस्थान से ही शुरू करते हैं, अगर माना जाए तो उमेन दास जी स्वयं ब्राह्मण हैं। इस समय वहां के जो पीठाधीश्वर हैं स्वयं ब्राह्मण हैं, और वहां के सतनामी जो हैं केवल मीना जात के केवल सतनामी हैं। अगर हम रुकनपुर की बात माने तो कुंवर रोहित जी जो है स्वयं ब्राह्मण है, और वहाँ के लगभग 85 गांव के आसपास और दिल्ली के आसपास जितने भी वहाँ के सात सतनामी हैं वो सब ब्राह्मण हैं। और कोटवा धाम में तो आज भी इस समय भी मुसलमान दीक्षित हैं और शिष्य हैं। तो और हमारे यहाँ तो ठाकुर भी गद्दीधर हैं और ब्राह्मण भी, मैं स्वयं एक पावे से संबंधित हूँ। इसके अतिरिक्त अगर भूलकुड़ा को माना जाए तो भूलकुड़ा में जो है शुरू से ही जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, और वहाँ के मुख्य गद्दीधर जो है क्या कहते हैं शत्रुघ्न दास जी, वो ब्राह्मण ही है। तो हम सतनामियों को एक जात विशेष में कैसे रख सकते हैं? इसीलिए समर साईं जगजीवन साहब ने आज से 355 साल पहले ही कहा था कि साधो एक ज्योत सब माही, एक अपने मन विचार के देखो और दूसरो नाही, एक रुधिर एक काया सिर्फ शूद्र कोई नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, चाहे छत्तीसगढ़ के सतनामी हो, चाहे हरियाणा के सतनामी हो, चाहे राजस्थान के सतनामी हो, चाहे नेपाल के हो, चाहे आसाम के हो, सभी सतनामी मूल रूप से हमारा मुख्य केंद्र बिंदु जो है, हम सभी लोग सतनाम को मानते हैं। हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में अंतर हो सकते हैं, हमारे रीत रिवाज में भी अंतर हो सकता है, पहनावे ओढ़ावे में भी अंतर हो सकता है, लेकिन जो मूल चीज है वो सतनाम ही है। हम सुमिरन भजन ध्यान करके उस परम तत्व तक प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि हमारे भैया कुर्रे जी ने कहा कि आखिर सतनामी समाज के अंदर ऐसी शक्ति कैसे पैदा हो गई कि जो औरंगजेब ने जो है औरंगजेब को सतनामियों ने हरा दिया। तो कुर्रे साहब आप विश्वास रखिए कि जिस चीज को हमारा समाज छोड़ता चला जा रहा है, सतनामियों के अंदर वो शक्त आई कैसे, ये विचारणीय है। वो केवल सुमिरन भजन ध्यान के द्वारा ही शक्त थी। और इतिहासकारों को अगर देखा जाए तो हर इतिहासकार ये कहता है कि सतनामियों के पास एक अद्भुत शक्त थी, और जिससे इतनी बड़ी जो है औरंगजेब की सेना परास्त हुई। तो हम अपने जो मूल चीज है सुमिरन भजन ध्यान, उससे हम अलग होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो है आध्यात्मिक जो विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास तो हम कर रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक विकास कम हो पा रहा है। अभी हम लोगों का प्रयास है कि 2008 में जो है पहला संत सम्मेलन जो है भिलाई दुर्ग में हमारे और टी आर खुंटे जी के प्रयास से हुआ, जहां सभी लोग गए थे, भारत के अन्य प्रांतों के भी और नेपाल से भी लोग वहां पर आए थे। तब से मेरा लगातार प्रयास है कि 18 दिसंबर को तब से लगातार मैं छत्तीसगढ़ में 3-4 बार तो मैं आता हूँ। गुरु घासीदास जयंती में आने का उद्देश्य ही है कि हम सतनामी कैसे एक हूँ।
और एक दो साल के बाद तो राष्ट्रीय सम्मेलन होते ही रहते हैं। अब बात यह है रचनात्मक ढंग से हम लोग कैसे आगे बढ़े। हमारा मुख्य काम तो सबसे ज्यादा काम तो हमारा श्री कुर्ले जी ही कर रहे हैं, कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो हमारी आवाज और विचार को फैला रहे हैं। मूल चीज है हमारे सतनामियों में हम अपने बच्चों को देखना होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सतनामी जो है बाप दादा पैदा हो गए, जैसे जातियां पहले कर्म के अनुसार हुई अब वंश के अनुसार हो गई। जो ब्राह्मण घर में पैदा होगा वो ब्राह्मण हो गया, कर्म चाहे जैसे हो। ऐसे छत्तीसगढ़ में जो हमारे सतनामी हैं, जैसा कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ज्यादातर सतनामी दीक्षित नहीं है, इच्छा की तो परंपरा ही लगभग खत्म हो गई है, तो वो सम्मेलन भजन ध्यान कैसे करेंगे? सवाल तो इस बात का है, अगर हम चाहे आध्यात्मिक उन्नत हो, चाहे सामाजिक उन्नत हो और चाहे जिस प्रकार की उन्नत हो, युद्ध में औरंगजेब से विजय पाने का मूल कारण था कि सत्तामी जो है सूर्य के उपासक थे और वो सूर्य की उपासना करते थे और औरंगजेब ने उनको छल से मारा। जब वो शाम को 5 बजे जो है सूर्य की उपासना करने लगे तब उन पर आक्रमण करके और उनको मारा। वो 5 बजे जैसे सूर्य अस्त होता था वो पश्चिम की तरफ दिशा करके और सूर्य का अभिवादन करते थे, उसी समय उनको मार दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब है जो हमारे सतनामी जीते, और केवल वही नहीं हुआ है, ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, जगजीवन साहब का भी अजमीर नामक एक मुसलमान था वो उसकी सेना को भी हराया है। तो सतनामी तो हमेशा युद्ध करते रहे हैं। अगर सतनाम को माना जाए तो नानक साहब दसों गुरुओं ने तो युद्ध ही किया है मुसलमानों, उनका तो प्रयास लगातार जारी है और सबसे ज्यादा तो प्रयास है हम मानवता चैनल को दे रहे हैं कि अमेरिका में बैठे हुए भाई मेघराज जी इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय दूर नहीं। अभी हम लोग ऋषिकेश में थे 4 दिन, वहां तो लगभग 90 आदमी छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा से सभी लोग आए। तो अब हम लोगों का आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है सतनामियों में सुमिरन भजन ध्यान की, और सुमिरन भजन ध्यान अगर हम करेंगे तो निश्चित हमारा चौमुखी विकास होगा और जो हमारी पुरानी जो हमारी हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है निश्चित हम उसको प्राप्त कर लेंगे। साहब सतनाम सतनाम जी। बहुत शुक्रिया कमलेश दास जी, काफी विस्तार से बातें हो गई है। मैं जितिन जांगड़े जी से और के आर सोनानी साहब से, नंद कुमार कोसली जी से जाऊंगा कि संक्षिप्त में जो हमारे खास मेहमान हैं, जो आज के वक्ता हैं, इन लोगों ने विस्तार से समाज को एकीकरण की दिशा में प्रयास करने की जो बातें चल रही है इस पर संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। एक एक दो दो मिनट में समय हो चुका है, करीब हमारे पास 10 मिनट का समय है। जी जितिन जांगड़ी जी। हाँ जी, पुनः सतनाम। कहावत है 4 कोश में पानी और 10 कोश में बाणी और 20 कोश में संस्कार संस्कृति। 4 कोश के अंदर में पानी का स्वाद अलग हो जाता है, 10 कोश में वाणी में परिवर्तन आ जाता है और 20 कोश जाओगे तो धर्म संस्कृति कुछ न कुछ फर्क पड़ जाता है। तो हम लोग कहीं भी रहे, सतनामी समाज किसी भी राज्य में रहे, हम लोगों का धर्म संस्कृति कहीं ना कहीं एक मिलता है, एकीकरण है। हम जहाँ भी कहें वहाँ देखे धर्म संस्कृति बहुत मिलता है और हमारा गौरवशाली इतिहास संस्कृति सभ्यता सतनामी समाज का, उस पर हमको एकीकरण को कैसे बल दे, कैसे और आगे बढ़ा, इस पर हमको जोर देना ताकि हम पूरा विश्व स्तर पर और भारत पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सतनामी सतनाम धर्म का पहचान बना पाए। अब रहा सवाल ने प्रश्न किया कि सतनामी समाज को एक शेड्यूल कास्ट में रख दिया छत्तीसगढ़ में, जिस समाज अंग्रेजों ने भी छत्तीसगढ़ में सतनामियों के बारे में बड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने भी अपने लेख में कहा, गजेटियर में कहा अंग्रेजी लोगों ने कि सतनामी हायर कास्ट इन इंडिया और सतनामियों को सिर पर सतनामी कहा जाए, सतनामी को अन्य नाम से संबोधित ना किया जाए, और 27 विभाग को अंग्रेजों ने लिखा। उनके बावजूद जब भारत देश का संविधान बना तो हम लोगों को 14 नंबर कालम शेड्यूल कास्ट में रखा और जिसमें 44 जाति है। सतनामी समाज को उस समय हमारे सम्मान
हमारे एक प्रकार के कहा जाए तो अधिकार का ध्यान न रखते हुए 14 नंबर में कालम में रख दिया, ये हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध हो गया। जिस समाज को अगर गुलाम बनाना है, जिस समाज पर राज करना है, उस समाज को अगर मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाए तो वो मानसिक रूप से कमजोर होने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से ऐसा ही कमजोर हो जाता है, शिक्षा रूप से कमजोर हो जाता है। तो हम लोगों को एक कमजोर करने के लिए साजिश के तहत राजनीति करने के लिए हो, हम लोगों को 14 नंबर कालम में डाल दिया, और 14 नंबर में कालम में डालने के कारण हमारे समाज के लोग, छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोग मानसिक रूप से कमजोर हो गया और कहा कि हमारा तो बिजनेस नहीं चलेगा, हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, मनोबल रूप से गिर गया। और हमारा समाज है जो गिरता चला गया, नहीं तो हर गांव में गोंटिया, हर गांव में जमींदार मंडल, ये लोग अपने जमीन को बेच बेच करके खाने लगा और ये समाज को मानसिक गुलामी बना करके आर्थिक स्थिति से कमजोर करने का साजिश रहा। इस कारण हम लोग दो दो बार दिल्ली में जा करके माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया है कि 14 नंबर कालम से सतनामी समाज को पृथक किया जाए, क्योंकि हमारा अलग धर्म संस्कृति है, हमारा सतनामी सतनाम धर्म में न जातिवाद है, न लिंग भेद है, न वर्ण व्यवस्था है, हम लोग मानव मानव एक समान के मानने वाले हैं। और मानव तो मानव सर्व प्राणी के भी बारे में, जैसे हमारे नैनदास महिलांग ने गौ भक्त महिलांग जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोह लिया और करमंडी ढाबा में पशु के प्रति भी उन्होंने सतनामी समाज ने अपना जान निछावा करके करमंडी ढाबा के बूचड़ खाना को तोड़ दिया। ऐसे हम लोग गौरवशाली इतिहास वाले सतनामी समाज है, तो इस समाज का इतिहास बनना चाहिए और हम में जो आने वाले पीढ़ी में हम पर जो धब्बा लगा है एक निंदा का, उसको हमें धोना ही पड़ेगा। इसके लिए हमारे सतनामी समाज को तन मन धन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी करना होगा और संगोष्ठी करने के बाद हमारे गौरवशाली इतिहास को वो हमारे आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। यही मेरा सलाह है, सुझाव है, समय कम है तो को विराम देता हूं। जितिन जांगड़ी जी हमारे बहुत शुक्रिया आपके विचार रखने के लिए। मैं के आर सोनानी साहब से संक्षिप्त में चाहूंगा कि अपनी बात रखेंगे। के आर सोनानी साहब अपनी आवाज म्यूट करें। ये जो सुझाव जितिन जांगड़ी जी का बहुत अच्छा है और मैं भी इसमें प्रयास कर रहा हूँ, मैं समाज के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज जो खासी पुरुष हुए छत्तीसगढ़ में उसको लोग बात भूलते जा रहे हैं, जैसे कि रतिराम जी, नंददास मैलांग जी, आपके आधारदास राजमान जी, बड़े बड़े जो हमारे समाज विराजमान हुए, इन लोगों को लोग बात भूलते जा रहे हैं। इन लोगों ने हमारे समाज के लिए क्या नहीं किया, चाहे अंग्रेज से लड़े और जमींदारी जो छीनते गए। मैं खुद में यहाँ पे 30 साल पहले सर्वे किया, यहाँ पे बिना कोई वजह से सतनामियों को जेल में डाला गया ताकि वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से कमजोर हो। ये हमको एक साथ जोड़ के समाज को इसके बारे में संघर्ष करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर के आर सोनानी साहब आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ। घोसले जी अपनी बात रखें लास्ट में। हाँ जी, क्या है, हमारा जो समाज है शुरू से आत्मनिर्भर रहा है, शानो शौकत हर चीज में मतलब गौरवशाली हम रहे हैं, तो जब अन्य समाज के, जैसे आप छत्तीसगढ़ के बारे में बताया कि यहाँ थोड़ा सा दूसरे दृष्टि देखते हैं, उसका कारण है अपने पास सब कुछ है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमको पंडित की जरूरत पड़ा, ना नाई की, ना धोबी की। हमारे समाज में सारे लोग आत्मनिर्भर रहे हैं। खेती बाड़ी के मामले में मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे यहाँ 55 एकड़ जमीन है, उधर सतनामी तौर पर उदाहरण बता रहा हूँ, अन्य समाज के लोग नौकरी करते थे, मतलब ऐसा नहीं कि क्या है, साधन संपन्नता को भी देख, क्योंकि मानव में एक गुण होता है कि जलन तो होती है, तो और ऐसा कारण नहीं है। और जैसे सब अपने सभी जो सुझाव आए हैं विद्वान पुरुष, घोसले जी की आज नेटवर्क बहुत पुअर है और उनकी प्रतिक्रिया हमारे पास ठीक से नहीं आ पा रही है। हाँ, सतनामी का जो इतिहास है कुर्रे जी जी, वो गौरवशाली रहा है, आज भी है, और इसको बरकरार रखने के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म में चाहे प्रांत का आ करके एक साथ उसका निराकरण करना होगा, ऐसा मेरा प्रयास है जी, और ये मेरा सुझाव भी है।
ठीक है कुर्रे, आपने बहुत शुक्रिया आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर। सभी मेहमानों ने अपनी बातें रखी है, मैं सारांश में और संदर्भ में बातें रखने के लिए हमारे सबसे वरिष्ठ और इतिहासकार नवरतन साथ जी से मैं चाहूंगा कि अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बात रखें संदर्भ में, और आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करेंगे। नवरतन साथ जी सतनाम। वास्तव में हमको बोलते समय इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो हम कहने जा रहे हैं वो भटक ना जाए कहीं, कुछ ना बोल दें, बड़ा गहराई से अध्ययन करें, उसे ही बोलें। हमारे समाज में कभी भी सूर्य उपासना नहीं रही ना है। संध्या का मतलब ये नहीं है कि हम सूर्य, संध्या सुबह कोई भी होती है, संध्या शाम की, यानी दोनों वक्त मिलने पर हम दिन की शुरुआत करते हैं काम की, तो मालिक की यादगारी में समय लगाकर, और शाम को जब हम निद्रा में जाएं तो कहूं सोई नाम सुनू, सोई सिरवन खाओ पियो, सोई पूजा, और जब सोऊ तब करू दंडवत पूजू और न देवा। तो सूर्य पूजा नहीं है, भामाचार का कोई स्थान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो चार कैटेगरी या सप्तम योग प्रमुख रूप से हम जुड़े हैं, चाहे वो सबलापंथी हो, चाहे जगजीवन दास जी हो, कमलेश जी से तो मेरा संबंध बहुत बाद में हुआ। 1984 में मैं इनके कुटवा धाम गया था, और बहुत कहने सुनने के बाद मुझे वहां पे हस्तलिखित पोथी दिखाई गई थी, जिसे मैंने काफी समय तक पढ़ा देखा जा इनके यहाँ की बातों को। तो मेरे यहाँ चारों, मेरे पास चारों ही कैटेगरी के सतनामियों का साहित्य है, और उसको लाइन टू लाइन अध्ययन किया है। तो किसी के विषय में बोलते समय ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए हमें, जैसे जो हमें कल्पना के आधार पर बोल दी जाए, जिससे थोड़ा सा, अब जैसे हमारे जांगड़े जी कह रहे थे कि वो 1300 ईस्वी में पहुंच गए, उनका पूरा साहित्य मेरे पास है, और संबल 1672 में, वो संबल 1742 में सबलदास जी का उपस्थित होना बता रहे हैं, कायम कुंवर जी तो सबलदास जी के शिष्य हैं, तो वो उनकी पोथियां मेरे पास है सब। मैं वहाँ उमेश दास जी के पास गया, 3 दिन तक रहा, एक पोथी है उनके पास असली के संबल 1790 की, जिसको देखने के लिए गया, बोले कि उसके तो कभी कभार दर्शन कराए जाते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं दी जा सकती। तो ये ऐसी विचारधाराएं, कुंठित विचारधाराएं हैं कि हमारी पोलना खुल जाए, हम अपने को सबसे प्राचीन दिखाना चाहते हैं, अपने को अपना महत्व दिखाना चाहते हैं, ये सारी बातें बेकार की है। संगठन के लिए आवश्यक होता है कि समानता का व्यवहार और जो भी ऐतिहासिक तथ्य है वो साक्ष्यों के आधार पर रखे जाए, ना कि कल्पना के आधार पर। अब उनकी सारी पोथियां मेरे पास हैं तो वो मुझसे बात ही नहीं करते सबलदासी। अब उनकी वाणी में कहा गया है कि जो मैं वहां पे भी बोल चुका हूँ, यहाँ भी मैंने पिछली दफा परसों जो बातचीत हुई उसमें रखा, तो हमें जो है तथ्यों के आधार पर पुस्तकों का बारीकी से अध्ययन करके ही रखना चाहिए उन बातों को, और किसी भी समाज के बारे में मैं तो सबको बराबर का मानता हूँ अपने, और वो ही जो मैंने रखा कि सतनाम प्रमुख चीजें हमारे लिए क्षीर रूप सतनाम है, तात्विक बस जो है वो सतनाम है, बाकी जो हमारे अलग अलग सामाजिक व्यवहार है, रीति रिवाज है, वो तो जगत का व्यवहार है, वो सतनाम के समानता या उसकी बराबरी नहीं कर सकता, वो तो अपने अपने क्षेत्र अनुसार है, उनसे हमको लेना देना नहीं है ज्यादा। एक दूसरी चीज हमारी जी थी वो थी शाकाहार। शाकाहार में अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है आधुनिकीकरण में जाकर मांसाहार करने लगे हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम स्वीकार किसी भी चीज पे नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी समाज से जुड़े हों। तो दो चीजें, पहली सतनाम पाती हो, दूसरी शाकाहार हो, तीसरी हमारी एक पहचान रही है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन में हमारे सादगी भले रहे, लेकिन विचार हमारे उच्च हों, साधनाशील हों, और सच्चाई से भरा जीवन जिए, यही साध की पहचान है, यही सतनामी की पहचान है। और इसी के साथ हम कुछ रचनात्मक रूप करने के लिए आगे से प्रोग्राम बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहे सतनाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की इस परिचर्चा का हमारा समय समाप्त हो चुका है। मैं सभी खास मेहमानों को मैं
आज के अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस ऐतिहासिक परिचर्चा पर जुड़ने के लिए नवरतन साथ जी का हम हृदय से आभार करते हैं। वह सब मानवता चैनल में कमलेश साथ जी का भी, दास जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफी अपना व्यस्त समय निकाल करके हमारी इस परिचर्चा पर शामिल हुए। मैं जितेन जांगड़े जी को भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे बीच में आए और अपनी बात रखी। डॉक्टर के आर सोनवानी साहब, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नंद कुमार कोसले साहब का भी, और डॉक्टर जे आर सोनी साहब भी हमारे बीच में जुड़े थे लेकिन नेटवर्क के कारण उनकी परिचर्चा नहीं हो पाई, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस चैनल में हमारे साथ कोशिश किए बट उनकी विचारधारा शामिल नहीं हो पाई। जितेन जांगड़े जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जितेन जांगड़े संक्षेप में अपनी दिखा दें क्या चीज है। इनकी तो उमेश दास जी की साधना संबंधी पुस्तक है, सतनामी साधना का शरीर। बहरहाल आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण परिचर्चाओं के लिए हमें हौसला अफजाई के लिए अपने विचार भी मैसेज करें हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आने वाले समय में इस ऐतिहासिक परिचर्चा को और आगे ले जा सकें, अलग अलग राज्यों से लोगों को बुला सकें। तो मैं मेघराज जी का, जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए आज का कीमती समय मुहैया कराया अपने चैनल में, और सबसे पहले आज के खास मेहमान नवरतन जी का, कमलेश जी का, नंद कुमार जी का, जितिन जांगड़े जी का, डॉक्टर के आर सोनवानी साहब का, और डॉक्टर जे आर सोनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी।